स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। मैं हूं मेघा सिंह। आज बात होगी कांग्रेस को लेकर। जी हां, कांग्रेस अब हार के बाद जो है काफी सक्रिय हो चुका है और अब उसकी निगाहें जो है गुजरात और हिमाचल पर टिक गई हैं और उसे लेकर कई सारे एक्शन प्लान्स भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस क्या नई रणनीति अपना सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, क्या आपको लगता है कि अब गुजरात और हिमाचल में जो होने वाले इलेक्शन है उसे देखकर कांग्रेस अपना रवैया बदलेगी, कुछ एक्शन प्लान में चेंजेस आएंगे? देखिए, अब जो आगे आने वाले चुनाव है, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। जिस तरह से G23 के तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है, चाहे वो नेतृत्व की बात करें, आप रणनीति की बात करें, या फिर प्रदेश अध्यक्षों के स्तर पर जाकर पार्टी को बदलाव की बात करें। लगातार पार्टी में बदलाव की मांग तो उठ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बदलाव को भी करना नहीं चाह रही। अभी तक देखिए, अध्यक्ष की बात चल रही थी कि अंतरिम अध्यक्ष अभी तक सोनिया गांधी बनी हुई हैं। इसके बाद आप देखिए, भले ही प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा मांग लिया गया था 5 राज्यों की हार के बाद, लेकिन आगे आने वाले चुनावों के लिए अभी क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है, ये इस पर मैं एक दो बात आपसे बताना चाहूंगा। देखिए, डिजिटल कैंपेन कांग्रेस ने चलाने शुरू किए थे कुछ वक्त पहले जी। उस डिजिटल कैंपेन का असर ये हुआ कि आप देखें, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में उसको इतना फायदा नहीं मिला, लेकिन आप साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर 90% से ज्यादा यूथ जो है वो इस वक्त कांग्रेस जुड़ा है। तो आप ये देखिए कि नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने जितने भी लोगों को जोड़ने का काम किया था वो वहां इतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन साउथ इंडिया में वो कामयाब हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो रही है, राज्यों की हार का सामना तो करना ही पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जन समर्थन भी वहां कमजोर हो रहा है जी। तो यहाँ पर कांग्रेस का जन समर्थन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसे देखकर अब क्या आपको लगता है कि कन्हैया कुमार का कार्ड जो है वो कांग्रेस खेल सकती है आने वाले चुनाव में? मैं यहाँ बात कर रही हूँ गुजरात के चुनाव में, क्योंकि देखिये गुजरात में कांग्रेस का अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो प्रदर्शन अच्छा था। यहां पर उन्होंने 80 सीटें हासिल की थी, वहीं बहुमत में बीजेपी बैठी थी 99 सीटों के साथ। तो क्या आपको लगता है कि ये देखिए कांटे की टक्कर हुई थी पिछले बार, तो इस बार इस चीज को ध्यान में रखकर क्या कांग्रेस जो है गुजरात में कन्हैया कुमार को उतार सकती है, क्या उनका चेहरा इस्तेमाल कर सकती है युवाओं के लिए वोट इकट्ठा करने में, कहीं ना कहीं जो है कन्हैया कुमार उपयोगी हो सकते हैं यहां पर? देखिए मेघा, आप एक चीज को देखिए, एक होती है फेस वैल्यू जी, और एक होती है कि आप एक फेस वैल्यू होती है और एक ब्रांड वैल्यू होती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, देखिए अभी कन्हैया कुमार का जो फेस वैल्यू है वो बिहार और यूपी तक सीमित है। अभी वो इतने बड़े नेता नहीं बने कि आप उन्हें गुजरात में ऐसी जगह ले जाए जहां पे पहले से हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और इसके साथ अनंत पटेल जैसे जो नेता है, जो युवा चेहरे हैं, अभी उनकी पकड़ ही वहां पर इतनी मजबूत नहीं है। तो जिस नेता की पकड़ बिहार और आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में देखे वहां पर थोड़ी बहुत पकड़ है, उसको आप गुजरात नहीं ले जा सकते, ये बिल्कुल उल्टा पासा पड़ जाएगा। आप देखने समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, भले कन्हैया कुमार कांग्रेस में है, लेकिन उसके बाद क्या बिहार के जब इलेक्शन हुए थे, क्या बिहार इलेक्शन में कन्हैया कुमार को मौका देने के बाद कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था? और वो तो देखिए, वो तो उनका घर है, बिहार तो उनका घर है, तो वहां उनको फायदा नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि ऐसे नेताओं को गुजरात में उतारेंगे, जहां गुजरात में देखिए बिहार के मुद्दे और गुजरात के मुद्दे में बहुत फर्क है। अभी भी देखिए गुजरात काफी हद तक विकास कर चुका है, बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहीं आप देखें वहां पर पढ़ाई का स्तर अलग है, बिजनेस का स्तर अलग है, काफी चीजें हैं, लेकिन गुजरात में देखिए आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अच्छी अच्छी है, आप देखिए डायमंड इंडस्ट्री अच्छी है, आप देखिए वहां पर जिस तरह से बिजनेस क्लास बहुत अच्छे से डेवलप कर चुका है, तो वहां के मुद्दे अलग है, वहां पर GST और इन सब के मुद्दे ज्यादातर हावी रहते हैं, तो आप वहां पर ऐसे लोगों को नहीं उठा सकते। हार्दिक पटेल जो पाटीदार नेता है वहां पर उनका आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहता है, उसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो देखिए आज कितनी बड़ी सियासी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, तो वहां के मुद्दे अलग है। और वहां पर कन्हैया कुमार को उतारना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी गलती कर सकती है अगर वहां पर नहीं उतारेंगे, और हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी इन सब नेताओं पर अगर ध्यान देंगे तो शायद फायदा हो सकता है जी यहाँ पर। लेकिन आपने कहा कि कन्हैया कुमार जो है वो बिहार और यूपी में ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपी में भी इलेक्शन हुए हाल ही में मृत्युंजय, लेकिन वहां पर कन्हैया कुमार को कहीं नहीं देखा जाता, हालांकि 5 राज्यों में कहीं भी कन्हैया कुमार के नाम को शामिल नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक्शन लेती कांग्रेस कन्हैया कुमार को, अगर उतारती यूपी में या इन 5 राज्यों में कहीं भी, तो थोड़ा फायदा उन्हें मिलता? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर देखिए मुझे ऐसा लगता है,
अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी कन्हैया कुमार की पकड़ नहीं है। कन्हैया कुमार की अगर पकड़ हो सकती थी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकती थी। और देखिए एक एज ग्रुप होता है, मैं आप अगर सोशल मीडिया पर भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर एज के जो लोग हैं वो ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वैसा ही कुछ ना कुछ होता है पॉलिटिक्स में, किसी एक लीडर के फेस की वजह से। देखिए हर एज का लीडर हर जनता के का जो एज ग्रुप होता है उसको नहीं लुभा पाता। कुछ लोगों को देखिए कांग्रेस में सचिन पायलट पसंद है, कुछ लोगों को अभी भी राहुल गांधी पसंद है, तो दोनों के देखिए पसंद अलग है। तो वही अगर आप देखिए कन्हैया कुमार की बात करें तो आप देखिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठे हुए नेता है, तो उनकी जो पकड़ है उन छात्रों के बीच में ज्यादा हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि छात्रों के बीच में भी वो इतने पॉपुलर हो और सभी छात्र वोट भी डालें। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। तो क्या छात्रों के बीच में जो कन्हैया कुमार की पकड़ है वो उनको जीत दिला पाई? वो भी ऐसा नहीं कर पाई। तो कन्हैया कुमार को एक तो मौके दिए जाने चाहिए थे जो उन्हें नहीं दिए गए। और अभी देखिए मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है क्योंकि 5 राज्य के चुनाव जा चुके हैं लगातार, और अब बिहार में उन्हें मौका दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कन्हैया कुमार अपनी तरफ से भी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं। अगर कन्हैया कुमार अपनी तरफ से कोई ना कोई कोशिश करे कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर चलने की, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली में आकर के अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते। उनकी कोई खबर नहीं निकलकर सामने आती, उनकी कोई प्रेजेंस हो रही होती कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो एक ऐसे प्रत्याशी पर कांग्रेस पार्टी फिर क्यों दाम लगाएगी? जो यहाँ पर लेकिन कन्हैया कुमार के नाम पर काफी चर्चा हो रही थी क्योंकि वो एक युवा नेता है, युवा को अपने साथ ले जा सकते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, एक तरह से पार्टी के युवा लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि कांग्रेस को उन पर अभी उतना भरोसा नहीं है। वहीं हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में दिसंबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। यहां पर कांटे की टक्कर पिछली बार देखी गई थी मृत्युंजय, तो क्या लगता है इस बार जो है, पिछली बार तो जीएसटी का मुद्दा था, इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी मात खाती हुई नजर आई, उन्हें उतनी बहुमत नहीं मिली, लेकिन अब इस बार क्या लगता है कि क्या मुद्दा होगा कांग्रेस के पास गुजरात में कांटे की टक्कर देने के लिए बीजेपी को? देखिए कांग्रेस के पास इस बार कई मुद्दे हैं। आप अगर देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, जीएसटी का मुद्दा आपने बिल्कुल सही बात की, जीएसटी का मुद्दा था, लेकिन जीएसटी के मुद्दे को खत्म कैसे किया बीजेपी ने? आप उस वक्त देखिए एयर स्ट्राइक और ये जो तमाम चीजें हुई थी पाकिस्तान के, जिस तरह से सीज फायर हो रहे थे, उसके मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जीएसटी का मुद्दा खत्म कर दिया, इसी वजह से 99 सीटें बीजेपी निकाल पाई। वहीं अगर आप बात करें कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले, देखिए कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाएगी, इसी के साथ साथ किसानों, देखिए भले ही गुजरात में इतने बड़े स्तर पर किसान नहीं है लेकिन है, और उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो किसानों को किस तरह बिजली मुहैया कराई जानी है उसके बारे में बात उठाएगी। आदिवासियों का मुद्दा वहां पर हावी रहता है कि आदिवासियों को शिक्षित किस तरह से किया जाए, वो मुद्दा इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कल के काम शुरू कर चुकी है। और इसी के साथ साथ देखिए व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा है गुजरात में, व्यापारी वर्ग को फायदा कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में भी वो काम करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी वर्ग के गुस्सा होने से हुआ था, क्योंकि जीएसटी से जो व्यापारियों को नुकसान हुआ था उसके बाद से लगातार ये देखा गया कि व्यापारियों में बीजेपी के लिए थोड़ी नाराजगी थी, हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार भी ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे ही मुद्दे उठाए जाएंगे जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, आदिवासी है, वो उनका वोट किधर जाता है। जी ये तो हो गई मुद्दों की बात, लेकिन मृत्युंजय आपको क्या लगता है कि गुजरात में किस चेहरे पर दांव खेल सकती है कांग्रेस, किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर उतार सकती है गुजरात में जो उन्हें जीत दिला सके, बीजेपी को टक्कर दे सके? देखिए नरेश पटेल नेता है, पाटीदार नेता है, इसी के उन पर ऐसा बातें सामने आ रही थी जब प्रशांत किशोर रणनीतियां बना रहे थे, प्रशांत किशोर लगातार गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतियां बना रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि नरेश पटेल को लेकर के लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी में तो शामिल किया ही जा सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पाटीदारों में अच्छी खासी पकड़ है उनकी, इसी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी में शामिल करने के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरे के लिए भी आगे किया जा सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें हासिल की थी, ऐसा माना जा रहा है कि अगर उसी परफॉर्मेंस को कांग्रेस बेहतर करने की कोशिश करती है और बेहतर वोट बटोरने की कोशिश करती है तो शायद इस बार सरकार बनाने में भी, देखिए 77 और 91 सीटें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना सकती है। भले ही देखिए इस बार आम आदमी पार्टी की बात करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब से उखाड़ कर फेंक दिया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट जरूर काट सकती है, और वोट तो बीजेपी के भी काटेगी, लेकिन बीजेपी इन दोनों पार्टियों से और कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी से कैसे बचती है ये देखने वाली बात है। जी ये देखने वाली बात है क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि मैदान में जो है अब आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है, उन्होंने अब खुली चुनौती दे दी है गुजरात में, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे और अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तीन पार्टियों में से कौन है जो गुजरात की सत्ता पर अपना राज जमाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।